हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकी टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ सुपर एनालिसिस फॉर 12th ऑफ फरवरी। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट वन ओशन समिट। ये एक ऐसा समिट है जो कि जो यूनाइटेड नेशन का जो ओशन कॉन्फ्रेंस नाम की एक जो बॉडी होती है वो इसको करवाती है, और ये रिसेंटली यहाँ पे फ्रांस के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर जो समिट हो रहा है उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसके अंदर एक प्रॉपर मैसेज वगैरह डिलीवर कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में काफी डिटेल में समझेंगे एक्जैक्टली वन ओशन समिट क्या होता है और उसके आसपास के कौन कौन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड विल टॉक अबाउट नीति आयोग ने रिसेंटली एक न्यू रिपोर्ट निकाला है जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो जो हेल्थ केयर के इश्यूज वगैरह है वो फिर से रीइमेजिन हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें चेंज हो गई हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो हम इसका भी जो स्पेसिफिक डेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सब चीजों को देखेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट कि इंडिया के कुछ यहां पर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनको उन्होंने साथ में मिलकर यहां पर हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने का यहां पर जिम्मेदारी उठाई है, एंड दे आर यूजिंग बेसिकली डिफरेंट टाइप के टूल्स जिसके अंदर एआई को यूज कर रहे हैं वो। सो व्हाट इज एआई? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इसके भी कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जैसे कि एनोमली क्या होता है, एनोमली प्लैनेट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है उसके अंदर रिसेंटली ये बोला गया कि जो उसका फॉरेस्ट है वो एक कार्बन सिंक की तरह प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है बिकॉज उसके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। देखिए, पहला टॉपिक हमें बात करनी है वन ओशन समिट के बारे में। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा वन ओशन का मतलब क्या है कि हमारे जो ग्लोब के अंदर जो टोटल 5 ओशन है उन सबको एक सिंगल ओशन की तरह अगर हम ट्रीट करें और सबको एक साथ इक्वली सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड एज वन ओशन समिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे ओशन है। देखिए, सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन, देन कम्स अटलांटिक ओशन, देन कम्स इंडियन ओशन। ये 3 मेन ओशन हो गए। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे वी हैव आर्कटिक ओशन, एंड बिल्कुल साउथ में वी हैव एंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तो दीज आर द 5 मेजर ओशन जो कि हमारे अर्थ के ऊपर है। ऑलराइट, देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी वो इस पर्टिकुलर जो समिट के अंदर एड्रेस करने वाले हैं थ्रू वीडियो मैसेज, और इसी तरीके से जितने भी बाकी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं जर्मनी, जापान, यूके, साउथ कोरिया, कनाडा, इन सारे के सारे कंट्री के जो हेड्स हैं वो लोग इस पर्टिकुलर समिट के अंदर अपने अपने एड्रेस देंगे। अब ये पर्टिकुलर जो समिट है एक टाइप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पर जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो सब के सब एक साथ आ सकती हैं, वो अलग अलग तरीके से एक साथ मिलकर डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है, बहुत सारे कमिटमेंट्स कर सकती है। पॉइंट इज कि जो ओशन है उसको प्रॉपर्ली कंजर्व करने के लिए डिफरेंट काम कर सकती है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने क्या किया है 2021 से लेकर के 2030 तक को ओशन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने का डेकेड बनाया है। मतलब ये जो डेकेड है उसके अंदर ओशन को यहाँ पर मेन लाइमलाइट के अंदर रखा गया है। तो ये जो जब से ये डेकेड स्टार्ट हुआ है, मतलब अगले 10 साल ओशन को यहाँ पर डेडिकेट किए गए हैं, उसमें जो फर्स्ट ईयर है यानी कि 2022 जो है उसके अंदर ये पहला ऐसा इवेंट है जो कि ओशन को बचाने के बारे में बात करता है। ठीक है, सो एक टाइप का टारगेटेड अप्रोच है जिसके अंदर हमें ओशन को यहाँ पर प्रॉपर्ली कंजर्व करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर ओशन जो ये रिसेंटली समिट हुई है वन ओशन समिट, ये फिलहाल फ्रांस के द्वारा इसको किया गया है, यानी कि फ्रांस इज द होस्ट, और फ्रांस ने इसको होस्ट इसलिए किया है बिकॉज देखिए देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सीईयू नाम की एक बॉडी है, दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसकी रिसेंटली इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास गई है, मतलब फ्रांस इसका रिसेंटली प्रेसिडेंट बना है। इनका क्या होता है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होती है वो मतलब टर्न बाय टर्न इसकी प्रेसिडेंट बनती है, तो फ्रांस रिसेंटली बनाया। तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम अपने कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर वन ओशन समिट को यहां पर इस बार कंजर्व कराएंगे, मतलब कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो फ्रांस ने करवाया है, और फ्रांस का साथ कौन दे रहा है, फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक, और साथ में जो यूनाइटेड नेशन है दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। अब फ्रांस के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज ब्रेस्ट, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म, ये जो नाम है ब्रेस्ट जो एक टाइप का सिटी है ये फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। लेट मी शो यू ब्रेस्ट कहां पर। देखिए, ये फ्रांस जो है फ्रांस की अगर आप बिल्कुल वेस्टर्न साइड में देखेंगे, बिल्कुल वेस्टर्न साइड का जो कोस्ट है दैट इज अ प्लेस कॉल्ड एज ब्रेस्ट। आपको ध्यान रखना है ब्रेस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। ठीक है, और ये पोर्ट है जहां पर एक टाइप का नेचुरल पोर्ट है जो एक हार्बर की तरह भी काम करता है, इसलिए भी ब्रेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट रिमेंबर की पर्टिकुलर सिटी कहां पर, यह फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये वन ओशन समिट है, देखिए नाम से जैसा मैंने आपको बताया नाम से पता चल रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट मेंबर्स है, सिविल सोसाइटीज, एनजीओस, सबको साथ लेकर आना है और टेंजिबल एक्शंस लेने हैं। नाउ देखिए, दो टाइप के एक्शंस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज टेंजिबल, वन इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल। नाउ देखिए, टेंजिबल को आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं टेंजिबल मतलब जो सामने दिखता हो, जिसे आप छू सकते हैं, जिस पर्टिकुलर चेंजेस को आप अपने आंखों से देख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब होता है जो आप इनडायरेक्ट चीजें कर रहे हैं। इनटेंजिबल को देखिए सिंपल वर्ड्स में इनटेंजिबल मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप ओनली फील कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि टेंजिबल यहां पर एक्शंस लेने की बात की गई है, मतलब ऐसे एक्शंस लेने हैं जो कि बहुत ही कॉन्क्रीट हो, जो जिसके रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी देखने को मिले। ऐसा ना हो कि आज हम एक एक्शन ले रहे हैं और हम ऐसा बोलना स्टार्ट कर दें कि अगले 10 20 50 साल के बाद हम उसके एक्शन हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे, तो हमें वैसा एक्शन फिलहाल नहीं लेना है। हमें ऐसे एक्शन लेने हैं जो कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर अपने हमारे ओशंस को कंजर्व करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है सबको यहां पर एक साथ आने की मतलब बात की जा रही है, और सबके सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक हेल्दी और सस्टेनेबल ओशन का इकोसिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए। अब देखिए, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यूएन का जो ओशन कॉन्फ्रेंस है ये हर साल होता है,
2017 से ये स्टार्ट हुआ था, और जो फर्स्ट इसका जो मीटिंग हुई थी दैट वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसका ही रिसेंट जो मीटिंग हुई है ये फ्रांस के अंदर हुआ है, और यहीं पर ये चीज डिसाइड की गई है कि वन ओशन समिट को किया जाएगा। अब इसका मेन काम वही है, सेम चीज काम है कि मोबालाइज करना है बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज वगैरह को, एनजीओ को, सिविल ग्रुप्स को, सबको साथ लेकर आनी है ताकि कंजर्व किया सके और सस्टेनेबली यूज किया जा सके सी, ओशन एंड जितना भी मरीन रिसोर्स है उन सबको। नाउ सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या होता है? देखिए सस्टेनेबल यूज का सीधा सिंपल टर्म्स में अगर आप देखेंगे कि एक ऐसी चीज जिसको आप प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उसको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व कर रहे हैं, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूज, ठीक है। उसको मतलब बोला जाता है कि आप उसको सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं। पॉइंट इज कि हमें जितने भी सीज हैं, मतलब जितने समुद्र हैं, जितने भी ओशंस हैं और जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं, हर एक चीज को बहुत ही यू नो सस्टेनेबली यहां पर यूज करना है, ताकि हम तो यूज करें साथ में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके लिए भी हम यू नो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यहां पर छोड़ के जाए। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का वो है इसका थीम। थीम क्या होता है? थीम कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी और एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली थीम पूछा जा सकता है। इस बार का थीम है सिंपल वर्ड्स में आवर ओशियंस आवर फ्यूचर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आवर ओशियंस आवर फ्यूचर इस साल का ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम है। अब इसमें बेसिकली मेन काम बोला गया है कि जो हमारा एसडीजी 14 है उस चीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। एसडीजी 14 क्या होता है? मैं आपको भी सारे एसडीजी प्रॉपरली समझाऊंगा। द पॉइंट आपको ध्यान रखना है एसडीजी 14 जो है वो मरीन रिसोर्सेज यानी कि लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है, और ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस है वो इस साल जो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, इट वाज होस्टेड बाय फिजी एंड स्वीडन, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। जो हमारा वन ओशन समिट है दैट वाज होस्टेड बाय फ्रांस, बट जो यूएन का जो ओशन कॉन्फ्रेंस है दैट वाज होस्टेड बाय फिजी एंड स्वीडन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि फिजी एंड स्वीडन का मेन लोकेशन कहां पर है। देखिए ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज है, आपको याद होगा ये तीनों कंट्रीज को यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क को बोला था। जो बीच वाली कंट्री है दैट इज कॉल्ड स्वीडन, ठीक है। सिंपल वर्ड्स आपको ध्यान रखना है स्वीडन यहां पे प्रेजेंट है। एक तो ये हो गई, और साथ में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपको ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। उस आइलैंड के अंदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड एज फिजी आइलैंड्स, ठीक है। टोंगा आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, इन सब के पास में यहां पर देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड एज फिजी आइलैंड। इसी फिजी आइलैंड ने और इस स्वीडन कंट्री ने दोनों ने साथ में मिलकर इस साल का यूनाइटेड नेशन का जो ओशन कॉन्फ्रेंस है उसको इस बार होस्ट किया है, ठीक है। आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए। अब देखिए एसडीजी 14 जो है जिसके बारे में बात कर रहे थे, एसडीजी 14 बेसिकली बात करता है जो लाइफ बिलो वाटर यानी कि जितना भी मरीन रिसोर्स है, जितना भी कोस्टल रिसोर्सेस है, इन सबको प्रॉपर्ली मैनेज करना एंड प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना। नाउ बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारे एसडीजी एक बार समझाता हूं। देखिए दिस इज द 14th एसडीजी जो कि हमारा लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है, बट यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज एसडीजी, और वो भी आपको ऑर्डर के अंदर याद होने चाहिए कि कौन से नंबर का एसडीजी कौन सा है। देखिए फर्स्ट इज अबाउट गरीबी हटाओ, सेकंड इज हंगर, थर्ड इज हमारा वेलबींग यानी कि हेल्थ वगैरह को प्रॉपर्ली प्रमोट करना, फोर्थ इज एजुकेशन, फिफ्थ इज जब एजुकेशन प्रमोट हो जाता है देन कम्स जेंडर इक्वालिटी, देन कम्स क्लीन वाटर, ठीक है। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके बाद एक डिसेंट वर्क जो मतलब प्रोवाइड करना चाहिए हर एक पर्सन को, इसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रा को प्रमोट करना, फिर जितने भी इनइक्वालिटीज वगैरह है उनको यहां पर पूरी तरीके से रिड्यूस करना, देन कम्स सस्टेनेबल सिटीज को प्रमोट करना, देन कम्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को यहां पर यू नो जो हमारा जो रीयूज का जो मेथड होता है इस चीज को यहां पर प्रमोट करना, देन कम्स क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करना, देन 14th जैसा हमने बात किया लाइफ बिलो वाटर, 15th इज द लाइफ ऑन लैंड, एंड 16th इज पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड फाइनली द 17th वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। देखिए आपको ये बेसिकली आपको एक ऑर्डर में याद करने होंगे, ठीक है। तो इसको ऑर्डर करने का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको एक सिंपल सा निमोनिक्स दे दूंगा, एंड दैट पर्टिकुलर उस निमोनिक्स की हेल्प से आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि जब तक आपको वो चीजें याद नहीं हो रही, मान लीजिए कि अगर आपको पूरे 17 याद नहीं भी है, तो यू मस्ट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कौन सा है आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, और लास्ट कौन सा है वो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट तो काफी ज्यादा कॉमन हो गए, ये चीजें पूछ सकते हैं। इसके अलावा हंगर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और ये देखिए क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने अभी देखा 14th अभी न्यूज में चल रहा है, तो आप लाइफ बिलो वाटर को भी ध्यान रख सकते हैं। सो अगर आप बेसिक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको भी याद कर लेते हैं ना, देखिए कहीं कहीं आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। नाउ यू नो कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए गरीबी के ऊपर क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, हंगर के ऊपर पूछे जा रहे हैं, और एजुकेशन के ऊपर आपने देखा जैसा देखा एजुकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे जो अफेक्ट हुआ है कोविड के कारण। तो अगर आप मेंस के अंदर भी जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एसडीजी नंबर जो 4 है दैट डायरेक्टली टॉक्स अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन, एंड यू विल बी इन द गुड बुक्स ऑफ द जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके बहुत ही अच्छे आपके ऊपर इंप्रेशन आ जाएंगे, राइट। तो पॉइंट इज कि ये सब चीज आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा जैसा हमने देखा एसडीजी 14 यहां पर मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में बात करता है, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने जो डेकेड है जो हमारा डेकेड चल रहा है दैट इज फ्रॉम 2021 से लेकर 2030 को, उसको डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल
डेवलपमेंट इस चीज के लिए प्रमोट किया है, मतलब ओशन साइंस को हमें यहाँ पर अगले 10 सालों तक प्रमोट करना है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर जो हमारा वन ओशन समिट हुआ है वो हुआ है और वो फ्रांस के अंदर हुआ है, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा फ्रांस के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज ब्रेस्ट, उसी के अंदर ये चीज हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जितना भी मरीन लाइफ है उन सबका जो भी डिक्लाइन हो रहा है उसको रिस्टोर करना है और उसके बारे में अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर हमें बात करनी है नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में, दैट इज अबाउट हेल्थ केयर को रीइमेजिन करने की बात की गई। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यहीं पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दैट विल बी रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया, दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश बाय हूम, तो आपको ध्यान रखना है इट हैज बीन पब्लिश बाय नीति आयोग एंड नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर नॉट बाय एनी अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि नीति आयोग ने बोला है कि जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसको नीति आयोग ने रिलीज किया है, नो आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, नीति आयोग ने जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाला है उसके अंदर एक डिफरेंट मेथड की बात की गई है, ब्लेंडेड फाइनेंस। नाउ व्हाट इज दिस ब्लेंडेड फाइनेंस, उसको हम थोड़ी देर में प्रॉपर्ली समझेंगे, फिलहाल के लिए आप बस जो जो मेन चीज है उसको समझ लीजिए, ठीक है। पहला आप समझ गया कि नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को निकाला है। सेकंड चीज, नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया इस रिपोर्ट के अंदर कि जो इंडिया जो हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करता है वो सबसे कम है अमंग ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज। नाउ ब्रिक्स कंट्रीज क्या है, ब्रिक्स कंट्रीज इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है, माना जाता है कि पांचों यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज है और ये पांचों ही अपने आप को डिफरेंट पोजीशंस के लिए पिच करती रहती है, मतलब अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग मानती है पांचों कंट्रीज, ठीक है। तो इन पांचों कंट्री के अंदर जो इंडिया का जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है वो सबसे कम है, मतलब इंडिया सबसे कम पैसा यहाँ पर स्पेंड करता है। अब यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है नीति आयोग के हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर, इस डेटा के अनुसार ये बोला गया है कि देखिए अगर आप हमारे मान लीजिए कि हमारे टोटल इंडिया के अंदर टोटल 100 बेड्स है, ठीक है, जैसे सपोज कि टोटल हॉस्पिटल्स के अंदर टोटल 100 बेड्स है। अब इस 100 बेड्स को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट इज 65 बेड्स एंड सेकंड पार्ट इज 35 बेड्स। अब यहां पर बोला जा रहा है कि हमारी जो कंट्री का जो आधी पॉपुलेशन यानी कि 50% पॉपुलेशन है वो इस 65 बेड्स पे जा रही है, मतलब इन 65 बेड्स के ऊपर हमारी पॉपुलेशन जो कि जो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन का जो मतलब आधी पॉपुलेशन है उनके पास जा रही है और बाकी जो 50% पॉपुलेशन है उनके लिए सिर्फ 35 बेड्स बचे हुए हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि जो टॉप के जो 50% लोग हैं हमारे पॉपुलेशन के, मतलब ऊपर वाले जो 50% लोग हैं उनके लिए 65 बेड्स हैं, बट जो नीचे वाले जो हमारे पास जितने भी पुअर लोग हैं उनके पास बेड्स ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ रहे होंगे कि देर आर सम स्टेट्स लाइक यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स यहाँ पर है जहां पर कि जो पॉपुलेशन का मतलब जो बेड पॉपुलेशन टू बेड रेशियो है वो तब भी काफी ठीक है, बट जो नीचे वाले जितने भी स्टेट्स हैं हमारे स्पेशली बाकी के स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, उसके यहाँ पर जो हॉस्पिटल टू बेड का जो रेशियो है बहुत ही कम है, मतलब पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाएंगे भी तब भी उनके पास इतने बेड्स नहीं है कि हर एक पेशेंट को प्रॉपर्ली एडमिट किया जा सके, ठीक है। अब नीति आयोग ने साथ ही साथ ये भी एक टाइप का सजेशन दिया है कि अगर हमें इस चीज को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ बेड्स को इंक्रीज करना होगा बाय एटलीस्ट 30%, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर ऑफ बेड्स एटलीस्ट 30% इंक्रीज करना होगा और तब जाकर हमारा जो यहाँ पर हॉस्पिटल इंडस्ट्री है फिर से यानी कि जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो फिर से यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे इंडिया के अंदर टोटल हेल्थ केयर का जो मार्केट है, मतलब हेल्थ केयर के ऊपर जितना भी पैसा स्पेंड होता है उसमें से 80% से ज्यादा पैसा जो है वो हमारे हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर खर्च होता है। देखिए हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट अबाउट हॉस्पिटल, हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मेडिसिन आती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, हॉस्पिटल के जो बेड्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, बट इसका 80% से ज्यादा पैसा जो है सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर खर्च हो रहा है, समझ रहे। बाकी जितनी भी जगह है वहां पर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बट वहां पर पैसे नहीं आ रहे, सारा का सारा पैसा यहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटल के सेक्टर के अंदर जा रहा है। माना जा रहा है कि जो 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री थी उसका टोटल वैल्यू था दैट वाज अराउंड 61.79 बिलियंस, ठीक है, 61 बिलियंस के आसपास था। और माना जा रहा है कि अगले 4 सालों के अंदर, देखिए 2017 के बाद 2023 तक आते यानी कि अगले साल तक आते 132 बिलियन तक ही पहुंच जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा यहां पर पैसा सिर्फ हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है और इसके बावजूद हम लोग हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो जो हेल्थ के ऊपर की स्पेंडिंग है वो बहुत ही कम यहां पर कर रही है, हेल्थ के ऊपर एडिक्वेटली स्पेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारी गवर्नमेंट यहां पर पैसा खर्च नहीं कर रही है, फिर बेसिकली सारा पैसा कहां से रहा है, ये पैसा आ रहा है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पुअर पीपल, वो सारे के सारे लोग जिनके पास खाने को पैसे नहीं है वो अपने इलाज के लिए पैसे देते हैं, ऑब्वियसली अपने फैमिली के इलाज के लिए पैसे देते हैं, उसके कारण ऑब्वियसली उनकी गरीबी जो है और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है और कहीं ना कहीं उनकी जो उनका चांस है ऊपर उठने का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें एफर्ट लगाना होगा कि जो पुअर एंड वल्नरेबल सोसाइटी है उसको यहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हमारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज है वो सब मिलनी चाहिए, ठीक है। यहां तक ये भी बोला गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस पूरे के पूरे जो टोटल इंश्योरेंस बिजनेस है उसका 20% अकेला हेल्थ इंश्योरेंस यहां पर कवर करता है। सोच
समझिए, दिस इज अ बिग परसेंटेज। यहाँ पर मतलब मेजोरिटी जो हमारा है, जो इंश्योरेंस होता है, वो हेल्थ के सेक्टर में होता है, ठीक है। मतलब अगर आप बेसिकली अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, इसी चीज के लिए आपके मतलब बहुत सारे पैसे आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी सेकंड लार्जेस्ट पोर्टफोलियो, मतलब LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर जो आपसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो यहाँ पर हेल्थ के उसके अंदर सेक्टर के अंदर है, ठीक है। सो दिस इज टू मच, इसे हमें धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा ताकि जो लोग सब है उनको अपने पैसों से, अपने पॉकेट से पैसा खर्च ना करना पड़े। अब देखिए, हमारे यहाँ पर एक स्कीम है, उसे सिंपल वर्ड्स में आप आयुष्मान भारत समझ सकते हैं या फिर PM जन आरोग्य योजना, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए, उसके अंदर बोला गया है कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो था दैट वाज अराउंड 34% के आसपास में, वो इंक्रीज होकर माना जा रहा है कि 50% के आसपास पहुंच जाएगा, बट स्टिल वी नीड टू वर्क मोर बिकॉज हमारी अभी भी हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप यहां पर अगर देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो इन पेशेंट सर्विसेस है वो भी यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, और अगर ये सब इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हॉस्पिटल की इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बूम आएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज अगर हम यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, सही जगह पर अगर हम पैसा खर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अब समझिए कोविड का, देखिए कोविड के कारण जो हमारी हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। अब प्रेशर आने के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स वगैरह है वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने के कारण टेलीमेडिसिन का जो यहाँ पर वो है वो प्रैक्टिस है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का सीधा सा मतलब है अगर आप घर बैठे बैठे डॉक्टर को अपने फोन पे लैपटॉप पे दिखा लें, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मतलब आपने सिंपली फोन खोला, आपने वीडियो कॉलिंग के थ्रू डॉक्टर से डायरेक्टली बातचीत की और अपने सजेशन ले लिया, आप बाहर गए, आपने मेडिसिन लिया, आपने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, आपने मेडिसिन लिया एंड डायरेक्टली यू स्टार्टेड यूजिंग दोज मेडिसिन और आप ठीक हो गए, सिंपल वर्ड्स में ये होता है, ठीक है। और माना जा रहा है कि जो टेलीमेडिसिन का जो बिजनेस है इंडिया के अंदर दैट इज ऑलरेडी अराउंड $830 मिलियन। सोचिए ये 2019 का डेटा है, और तब जाकर मतलब कोविड नहीं आया था उस टाइम $830 मिलियन का था, और माना जा रहा है कि 2025 आते आते कोविड के आने के बाद इट विल इंक्रीज टू अराउंड $5.5 बिलियन। सोचिए हम कहां 830 मिलियन के आसपास थे एंड वी विल यू नो इंक्रीज अराउंड 5.5 बिलियन के आसपास में। ये माना जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर हमारा जो एनुअल ग्रोथ होने वाला है टेलीमेडिसिन के अंदर दैट इज गोइंग टू बी 31% एवरी ईयर, मतलब इतना हमारा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर ऑनलाइन इतना ज्यादा यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, ये अच्छी चीज है बिकॉज पहले बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि हॉस्पिटल्स को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते थे, डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे, अब वो एटलीस्ट टेलीमेडिसिन के थ्रू डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्टली डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माना जा रहा है कि पैंडेमिक से पहले एक डेटा आया था उसके थ्रू ये बोला गया था कि अगर आपको हॉस्पिटल का जो जितना भी सेक्टर है मतलब जो हमारा मेडिकल का सेक्टर है उसको अगर इंक्रीज करना है तो हमारी जो प्राइवेट कैपिटल्स है मतलब जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको $500 बिलियन इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो जितने भी हमारे गोल्स वगैरह हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सब उन सबको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी बोला जा रहा है कि इतना पैसा एक्सपेंड करने के बाद भी अभी भी हमारे मतलब हमें एटलीस्ट $256 बिलियन और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, तब जाकर हम यू नो 2034 तक अपने जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे और ज्यादा उसको एक्सेसिबल बना पाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर पाएंगे। ये तो हो गया हमारे बेसिक चीज़ें। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग ने इस साल बोला है कि ब्लेंडेड फाइनेंस नाम की एक न्यू चीज़ है जिसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। नो व्हाट इज दिस ब्लेंडेड फाइनेंस, सिंपल वर्ड्स में एक टाइप का फाइनेंसिंग का एक टाइप का अप्रोच है। देखिए ब्लेंडेड का मतलब कि आपने आपने बेसिकली अपने घरों के अंदर ब्लेंडर देखा होगा, मिक्सी देखी होगी आपने, मिक्सी मिक्सी में क्या होता है, मिक्सी में यू डायरेक्टली पुट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर डाल देते हो एंड देन यू चर्न इट, ठीक है, आप उसे घुमाते हो और उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर मिक्सचर बन जाता है, देन यू डायरेक्टली यूज इट। सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। देखिए फाइनेंस के अंदर क्या रहा है, नॉर्मली क्या फाइनेंस के अंदर या तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो होती है या तो वो यहां पर काम करती है या फिर जो पब्लिक इंडस्ट्री होती है वो यहां पर पैसा इन्वेस्ट करती है, बट हॉस्पिटल इंडस्ट्री यानी कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर ये प्रपोज किया गया है कि जितना भी पब्लिक सोर्सेज यानी कि जितना भी गवर्नमेंट सोर्सेज है, जितना भी फिलेंथ्रोपिक सोर्सेज है, इसका मतलब जितना भी चैरिटी वगैरह होता है, इन सबको यहां पर एक साथ लेकर आओ, मतलब जितना भी पैसा आपके पास अलग अलग सेक्टर से हॉस्पिटल के लिए आ रहा है उन सबको एक जगह पर लेकर आओ और सबके सब एक साथ यहां पर पैसा इन्वेस्ट करो। देखिए तो आप ध्यान समझिए ब्लेंडेड फाइनेंसिंग के अंदर कौन कौन डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, पब्लिक यहां पर जो होती है वो इन्वेस्ट कर रही है, सेकंड चीज फिलेंथ्रोपिक सोर्सेज यानी कि जो चैरिटी वगैरह आ रही है, जो दान दक्षिणा जो डोनेशन वगैरह आ रहा है वो सब, और थर्ड जितना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये भी। इसका मतलब क्या है, ब्लेंडेड फाइनेंस के अंदर पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस जितना भी आपका फिलेंथ्रोपिक है ये सब कुछ यहां पर यूज होता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर थिंग ताकि हम डिफरेंट सोशल गोल्स को डिफरेंट आउटकम्स को यहां पर अचीव कर सके, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहां हमें बात करनी है कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में और किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज की जा रही है। Now, हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और नाउ इसने एक यहाँ पर न्यू तरीका निकाला है कि जितने भी पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं उनको ढूंढने का। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैबिटेबल प्लैनेट्स, देखिए अर्थ,
अर्थ क्या है? अर्थ एक टाइप का हैबिटेबल प्लैनेट है बिकॉज इट अलाउज लाइफ टू फॉर्म ऑन इट. सिंपल वर्ड्स में ये अपने ऊपर लाइफ को अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेबल. मतलब अपने ऊपर हैबिटेट को अलाउ करता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में. तो और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके ऊपर लाइफ फॉर्म पाई जा सकती है, फिर जो पोटेंशियल है जहां पर लाइफ मिल सकती है, उन सब चीजों को फाइंड करने के लिए हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उन्होंने एक नया तरीका निकाला है. नाउ ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वो बिट्स पिलानी जो नाम की एक दूसरी इंस्टीट्यूशन, दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो इस चीज को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इन्होंने जो यूज किया है उसके अंदर जो उन्होंने टूल निकाला है दैट एक्चुअली यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से बेस्ड एक एल्गोरिथम है, उस चीज को यूज करते हैं जहां पर टोटल अभी तक हमारे पास टोटल 5000 से ज्यादा प्लैनेट्स को हम ऑलरेडी जानते हैं. 5000 से ज्यादा प्लैनेट्स जो कुछ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, कुछ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, मेजोरिटी ऑफ देम, ठीक है, उन सबको हम जानते हैं. इन सबको जब ढूंढा गया तो माना गया अराउंड 60 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि पोटेंशियली हैबिटेबल है. मतलब हो सकता है कि आगे जाकर उनको फ्यूचर के अंदर या तो उनके यहाँ पर लाइफ यहाँ पर इमेजिन हो जाए या फिर डायरेक्टली उनके यहाँ पर लाइफ इमर्ज हो जाए या फिर किसी मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट तरीके से उनके यहाँ पर लाइफ जरूर आ जाएगी, ठीक है. तो 60 ऐसे प्लैनेट्स मिले. नाउ इस पर्टिकुलर जो मेथड है, इस मेथड का यहाँ पर नाम दिया गया है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज मेमेटिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर. नाउ यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टी स्टेज मेमेटिक बाइनरी, ठीक है, ये चीज समझेंगे हम. और सेकंड इज कॉल्ड एज एनोमली क्या होता है. एनोमली जो आइडेंटिफायर की बात की जा रही है तो क्या बोलता है इसको, देखिए ये जो जो आप जो पहला चीज देख रहे हैं मल्टी स्टेज मेमेटिक बाइनरी, एक्चुअली ये एक टाइप का बेसिकली एक टाइप का टूल है जो कि इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर यूज होता है, ठीक है. तो आप देखिए सिंपल समझिए, मल्टी स्टेज मेमेटिक नाम का एक एल्गोरिथम है जो कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर यूज होता है, तो इसी चीज के नाम पर इसका मल्टी स्टेज मेमेटिक बाइनरी नाम इसका रखा गया, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में. अब देखिए है क्या ये, देखिए मीम का मतलब क्या होता है. आप सिंपल जो बाहर मीम्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारी मीम्स होती है, मीम्स के अंदर क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर चीज को कॉपी की जाती है एंड देन इसका जो शेप है जो उसका जो मेन आइडिया है उसको बेसिकली चेंज कर दिया जाता है, राइट, यही तो होता है. तो देखिए मीम का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जब एक नॉलेज को या फिर एक आइडिया को यूज करते हैं और उस देखिए यूज कैसे करते हैं, आप उस पर्टिकुलर आइडिया को ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से सेकंड पर्सन की तरफ और उसको इमिटेट करते हैं. इमिटेट करते हैं मतलब उसका मीनिंग सेम रख करके आप उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं. सेम तरीका देखिए, सेम एग्जैक्ट सेम मेथड जो है यहां पर इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर यूज किया गया है जहां पर यह बोला गया है कि जो मल्टी स्टेज अलग अलग स्टेजेस के अंदर मेमेटिक बाइनरी को यूज किया जाएगा. मतलब जिस तरीके से देखिए हमारा अर्थ है, अर्थ एक टाइप का हैबिटेबल प्लैनेट है, तो अर्थ के अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐसे प्रेजेंट है जो कि हमें हैबिटेबल बनाते हैं, उन सब चीजों को पकड़ करके, ठीक है, उन सारे के सारे फीचर्स को एक जगह पर ला करके हर एक प्लैनेट को उन सारे के सारे फीचर्स से यहां पे क्रॉस चेक किया जाएगा, ठीक है. एंड दिस ऑल विल बी डन थ्रू कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है. और यहां पर देखिए एनोमली आइडेंटिफायर है. एनोमली का क्या मतलब होता है मैं आपको जस्ट अभी 2 मिनट में समझाऊंगा. द पॉइंट इज आई होप आप समझ गए एक्जैक्टली कि मेमेटिक इमिटेशन का मतलब क्या है, जहां पर अर्थ के जैसा एक्जैक्टली अर्थ के जितने भी फीचर्स वगैरह हैं जो इसे हैबिटेबल बनाते हैं उन सारे के सारे फीचर्स को डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में. नाउ दिस मेथड वाज डिवाइस ऑन द बेसिस की बिलीफ, देखिए बिलीफ है बेसिकली कि अर्थ जो है अर्थ एक एनोमली है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एनोमली क्या होता है, एनोमली का सीधा सा मतलब है जो कि हटके होता है, ठीक है, विच इज मतलब जो कि मतलब नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से हटके. नाउ अगर आप हमारा सिंपल अगर आप हमारा सोलर सिस्टम देखेंगे या फिर आप हमारा यूनिवर्स देखेंगे तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, बिलियंस ऑफ मून्स है, एवरीथिंग सिंगल थिंग इज प्रेजेंट, बट हमें अभी तक एक भी यहां पर हमें अभी तक एक भी यहां पर कोई भी ऐसा प्लेनेट या फिर कोई भी ऐसा स्टार या फिर कोई भी ऐसा मून नहीं मिला है जो कि हैबिटेबल हो, राइट, सिर्फ यहां पर अर्थ ही मिला है. तो आपको लगता है अर्थ इन सब में से ऑड वन आउट है, सबसे हटके यहां पर कौन सा है, अर्थ है, तो इसीलिए हम अर्थ को यहां पर एक एनोमली बोल रहे हैं. तो आप समझ गए यहां पर एनोमली का मतलब क्या है, एनोमली आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, एनोमली यहां पर अर्थ को बोला जा रहा है, तो अर्थ के जैसा प्लैनेट को यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, वही इसका मेन नेम है. तो आपको बस नेम याद रखना है, आई होप आपको नेम की मीनिंग समझ गई है. देखिए अगर आप इस नेम का मतलब समझ जाएंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा कि मल्टी स्टेज है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेज को यूज करेगा. मेमेटिक है, मेमेटिक मतलब अर्थ को डायरेक्टली मतलब इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और बाइनरी ट्री है जहां पर एनोमली को आइडेंटिफाई कर रहा है, एनोमली का मतलब अर्थ, अर्थ को जैसे प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये सिंपल वर्ड्स में, ठीक है. अब हम समझते हैं, देखिए आपको मैं एक थोड़े से सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ है. टोटल मिलाकर 5000 ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं, ठीक है, उस 5000 में से अराउंड 60 प्लैनेट्स हमें ऐसे मिले हैं कि जो हो सकता है कि जिसके ऊपर लाइफ आगे जाकर या तो अभी है या फिर आगे जाकर लाइफ इमर्ज हो सकती है बिकॉज कहीं ना कहीं उनके कुछ फीचर्स जो है अर्थ के साथ मिलते हैं, ठीक है. ये जितने भी असेसमेंट किए गए थे जैसा मैंने आपको बताया अर्थ के जितने भी फीचर्स वगैरह हैं उन सब सारे के सारे फीचर्स को चूज किया गया, उन सारे के सारे फीचर्स को पिक किया गया और उसके बाद चेक किया गया, तो इन 60 प्लैनेट्स के अंदर अर्थ के जैसे सिमिलर फीचर्स पाए गए हैं, ठीक है. आई होप अभी इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गया. नाउ ये जितने भी प्लैनेट्स हैं दे कैन बी रिगार्डेड एज कैंडिडेट्स फॉर द एनोमलस इंस्टेंसेस. जिस तरह अर्थ एक टाइप का एनोमली है उसी तरीके से कुछ और भी एनोमलीज हो सकती है, उसी चीज को मालूम करने की कोशिश की गई. देखिए मैं आपको यहां पर एनोमली का एक छोटा सा और चीज बताता हूं. इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से देखिए कि एग्जैक्टली क्या है. इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, ये हमारा बेसिकली माना जाता है कि यूनिवर्स का एक पार्ट है,
दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और भी यू नो ऐसे बिलियंस ऑफ और भी गैलेक्सीज आर प्रेजेंट है, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी वन गैलेक्सी। नाउ इस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक यहाँ पर छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम है, दैट पर्टिकुलर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एज मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है सिंपली इट कंसिस्टेड ऑफ, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वन सन एंड एट प्लैनेट्स एंड कुछ मून्स या फिर कुछ एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिलकर हमारा एक सिंगल सोलर सिस्टम बनाते हैं। नाउ ऐसे हमारे यहाँ पर बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पे लाइफ प्रेजेंट है? ये तो बहुत यू नो अच्छे चांसेस है कि हो सकता है कि अर्थ इज नॉट द ओनली वन, अर्थ के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हो। देखिए ये बात सच है कि हमारे पास अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है, बिकॉज हमारी ह्यूमंस की जो रीच है वो अभी तक कहीं बाहर जा नहीं पाई है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप लॉजिकल बेसिस पे भी देखेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, जहां पर कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे बोला जा रहा है कि अर्थ कैन नॉट बी द ओनली एनोमी, जो अर्थ कैन नॉट बी द ओनली जो ये है एनोमली है, और अर्थ के अलावा 60 ऐसे प्लैनेट्स यहां पर मिले हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं लाइफ फॉर्म होने के कुछ प्रूफ हमें मिले हैं। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पर जो एनोमली का कंसेप्ट वो चीज प्रॉपर्ली समझ गए कि अर्थ यहाँ पर एक अकेला हैबिटेबल प्लैनेट है, इसलिए अर्थ को एक टाइप का यहाँ पर एनोमली बोला जाता है। एनोमली को आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं ऑड वन आउट, ठीक है, जो कि नॉर्मल से हटके है। तो अर्थ यहाँ पर नॉर्मल से हटके है बिकॉज बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब ऑब्वियसली लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करते, लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एनोमली को डिटेक्ट करने का टेक्निक, जो कि जो डिफरेंट टाइप के मशीन वगैरह हम यूज करते हैं कि अगर कोई फॉल्ट ढूंढना हो, सेम चीज यहाँ पर प्लैनेट को भी ढूंढने में किया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज दोनों के अंदर ही हम बेसिकली कुछ गलतियां ढूंढ रहे हैं, कुछ हम एनोमलीज ढूंढ रहे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर फीचर्स को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ना हुआ क्या है, अगर आप देखें सिंपल चीज अगर आप देखेंगे तो एनोमलीज हमेशा कम होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल डेटा। नॉर्मल डेटा का मतलब क्या है, मान लीजिए कि टोटल जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं एनोमली क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही आप रेडिकल चीज दे लीजिए, अभी आप जैसे अगर आप देखेंगे तो आपकी यहां पर सिंगल हेड है, राइट, आपकी बॉडी के ऊपर सिंगल हेड है। बट अगर आप देखेंगे यूके के अंदर, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी जहां पर एक पर्सन यहां पर पैदा हुआ था जिसके दो हेड्स थे। ठीक है, दो हेड्स थे मतलब सिंपल टू हैंड्स टू लेग्स, बट उसके हेड दो थे। अब दो हेड है तो क्या ये नॉर्मल चीज है? ये नॉर्मल चीज नहीं है, राइट, दिस इज द एनोमली। एनोमली का मतलब क्या है, सिंपली ऑड वन आउट, मतलब ये नॉर्मल से हटके है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अर्थ भी नॉर्मल से हटके है। द पॉइंट इज कि मान लीजिए कि जैसे हमें एक इंस्टांस मिल गया जहां पर हमें एक चीज पता चल गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन हमें ऐसा मिला है जिसके दो हेड्स हैं, तो क्या ये चीज ऐसा है कि पूरे के पूरे अर्थ, मतलब ना ही इससे पहले ना ही कभी आज के बाद, ऐसा है कि ऐसा कोई पर्सन दोबारा हो ही नहीं सकता जिसके दो हेड्स हो, राइट? ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी एक आध बच्चा ऐसा फिर से पैदा हो जाए जिसके दो हेड्स हो, राइट? ये एक टाइप की पॉसिबिलिटी है। इसी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पर यूज करते हैं कि हो सकता है कि देखिए हो सकता है कि ये चीज अकेला हो, बट ये भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी पर्सन ऐसा हो जिसके दो हेड्स हो। तो सेम इसी एनोमली का जो डेटा है, इसी एनोमली का जो कंसेप्ट है, इसको हम यूज करके अर्थ की जैसे जितने भी बाकी प्लैनेट्स उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर कुछ यहाँ पर चेंजेस वगैरह किए गए हैं, कुछ स्टडीज की गई है जहां पर क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो वहां पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम समझते हैं। रिसेंटली यहां पर रिसर्च किया गया, रिसर्च किसने किया है वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द पॉइंट इज रिसर्च का एक जो मेन मेथड आया है, जो मेन सामने रिजल्ट आया है, वो ये बोलता है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बहुत ज्यादा कार्बन जो है वो रिलीज कर रहा है, बट ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड एज, इसे सिंपली कार्बन सिंक कहते हैं। आपको याद होगा कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, देखिए फॉरेस्ट जो होता है कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है। देखिए फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली ट्रीज होते हैं। नाउ ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज फोटोसिंथेसिस करती हैं। नाउ जब भी फोटोसिंथेसिस करती हैं तो दे नीड व्हाट, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दे नीड CO2। अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो क्या करती हैं, कार्बन को डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर, यानी कि ट्रीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब जब कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो देन दे गिव आउट, जब वो फूड बनाती है, जब यानी कि अपने लीव्स के अंदर फूड बनाती है तो दे गिव आउट ऑक्सीजन नाम का एक गैस रिलीज करती है। बट ऑक्सीजन के साथ एक बाय प्रोडक्ट के रूप में दे ऑल्सो रिलीज सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल वर्ड्स में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर अब्जॉर्ब भी करती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज समझना है। अब देखिए अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर ट्री ज्यादा कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है और कम रिलीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक सिंक की तरह काम कर रही है, मतलब सारा का सारा कार्बन अपने अंदर जमा कर रही है। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा क्या हो जाए, मतलब अगर वो ज्यादा कार्बन यहां पर रिलीज करना स्टार्ट कर दे एज कंपेयर टू जितना वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कार्बन को यहां पर एमिट कर रही है। ठीक है, उसे कार्बन एमिटर कहेंगे। तो जो काजीरंगा है यहां पर कार्बन एमिटर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज कार्बन ज्यादा, मतलब ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू जितना कार्बन वो एब्जॉर्ब कर रहा है। आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए, इसका मेन कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, तो रिसर्च ये हुआ है जिसके अंदर ये पाया गया है कि जैसे हमारा अर्थ जो है वो धीरे धीरे वार्म हो रहा है, हमारा उसके मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग वो इंक्रीज हो रही है, इसके कारण जो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है
वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वो ज्यादा यहाँ पर एमिट कर रहा है, मतलब ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है। तो जहां हमें ट्रीज चाहिए कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, उल्टा हो रहा है यहाँ पर काजीरंगा के अंदर, उल्टा ये कार्बन को रिलीज करना स्टार्ट कर रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन इसका यह है, काजीरंगा असम के पार्ट में प्रेजेंट है, राइट। असम के कारण, अब आपको याद होगा हमने अराउंड 2 हफ्ते पहले एक एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के ऊपर क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से इंपैक्ट पड़ेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर ये पड़ रहा है कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल का जो टोटल अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया है, राइट। रेनफॉल के डिक्रीज होने के कारण वहां पर ड्राइनेस आ रही है, और ड्राइनेस होने के कारण यहां पर जो नॉर्मल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और काजीरंगा यहां पर कार्बन को एब्जॉर्ब करने के बदले यहां पर कार्बन को रिलीज कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं काजीरंगा का एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है। नाउ अगर आप यहां पर असम को देखेंगे, असम के अंदर अराउंड 6 to 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क प्रेजेंट है। नो, काजीरंगा देखिए बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। आपको ध्यान रखना है काजीरंगा किसी और स्टेट के साथ बॉर्डर बॉर्डर को टच नहीं करता है, ठीक है। देर कैन बी क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स कि काजीरंगा जो है वो डायरेक्टली नागालैंड या फिर मणिपुर या फिर अरुणाचल के साथ डायरेक्टली बॉर्डर टच करता है, ऐसा नहीं करता है, काजीरंगा बिल्कुल बीच में। अब देखिए काजीरंगा के अलावा और भी बहुत सारे नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट इज रायमोना, रायमोना एक टाइप का फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि असम के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद कम्स मानस, देन कम्स उरांग, देन कम्स नामेरी, देन कम्स काजीरंगा, देन कम्स डिब्रू सिखोईबा, एंड फाइनली वी हैव दिस वन जहां पर है मतलब डिब्रू सिखोईबा, और ये रहा लास्ट वन इज दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए ये 6 to 7 ऐसे नेशनल पार्क है जो कि असम के अंदर प्रेजेंट है। यू मस्ट रिमेंबर, पहली बात तो कि सबके सब असम में है, और सेकंड चीज यू मस्ट रिमेंबर कि ईस्ट टू वेस्ट किस तरीके से जाते हैं और वेस्ट टू ईस्ट किस तरीके जाते हैं, मतलब इसका एक आपको एक ऑर्डर याद होना चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन नॉर्थ टू साउथ वाले फीचर्स में, राइट। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। तो इसके लिए आपको अभी से ही रेडी हो रहा है, ठीक है। तो आपको इन सबको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट के फॉर्मेट में प्रॉपरली ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब देखते हैं, समझते हैं। अब काजीरंगा जो बहुत सारा कार्बन रिलीज कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उसका जो सॉइल है वो बहुत ही यूनिक सॉइल है, और डेसिडियस फॉरेस्ट वहां प्रेजेंट है। अब वहां पर जो सॉइल है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो है जब भी वो ब्रीथ करता है ना तो हमेशा कार्बन को रिलीज करता है। नाउ ह्यूमंस को सोचिए, देखिए ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन को यहां पर रिलीज करते हैं, राइट। सेम चीज यहां पर ये बैक्टीरिया करते हैं, जहां पर वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। नाउ देखिए, एक तो वहां पर ट्रीज जो है वो ऑलरेडी रेनफॉल के कारण बहुत सारा जो मतलब कार्बन सिंकिंग को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं, कार्बन को रिलीज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है उनके कार्बन को रिलीज करने के कारण भी, दोनों के कारण जो रिलीज है कार्बन का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए समझिए, काजीरंगा के जितने भी ट्रीज वगैरह हैं वो कार्बन को बहुत मतलब जो ट्रीज हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिलीज क्यों कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो काजीरंगा मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन जो एब्जॉर्ब करता है, मतलब कार्बन जो लेता है अपने अंदर, दैट इज इन प्री मॉनसून सीजन, ठीक है, मॉनसून से जस्ट पहले वो लेता है। अब जब मॉनसून वाला टाइम आता है तो क्या होता है, मतलब बेसिकली बारिश वगैरह होनी स्टार्ट होती है, तो मॉनसून के कारण क्या होता है, रेनफॉल आता है, राइट। अब जब रेनफॉल आता है तो देखिए रेनफॉल का एक प्री रिक्विजिट क्या है, क्लाउड कवर। अब जब भी रेनफॉल आया, आपको याद होगा कि मेघालय असम ये सब वो वाला पार्ट है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अभी ऑब्वियसली 1-2 साल से कम हो रहा है, बट पॉइंट इज कि अभी तक बहुत ज्यादा होता था। तो होने के कारण क्या था, वहां पर क्लाउड कवर बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अब क्लाउड कवर होने के कारण जो यहाँ पर सनलाइट था, सनलाइट यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, सनलाइट यहां तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता था। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है प्रॉपरली नहीं हो सकती। यही चीज देखिए होती थी, जब यहां पर सनलाइट नहीं होती थी बिकॉज ऑफ क्लाउड कवर, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण जो कार्बन जो बेसिकली ट्रीज जो कार्बन को एब्जॉर्ब करना चाहिए ना, जो उन लोगों को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे, इसी के कारण जो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता था, लेकिन वो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन करते थे उसके थ्रू CO2 रिलीज तो होता ही था। इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे बट वो रिलीज करते थे, ठीक है। इसके कारण यहां पर काजीरंगा के अंदर से जो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा जितना भी कार्बन था वो सबका सब बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। नाउ इसी चीज को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए क्या हुआ था, 2015 के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर एक मेटफ्लक्स इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जहां पर कुछ मेट्रोलॉजिकल टावर्स लगाए गए थे। नाउ मेट्रोलॉजिकल टावर्स का सीधा सा मतलब क्या है कि डिफरेंट एक ऐसा टावर लगाया गया था, एक सिंपल ऐसा टावर टाइप है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेंसर्स वगैरह हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं जो कि मॉनिटर करते हैं कि CO2 का लेवल क्या है, विंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, वाटर वेपर का कितना कंसंट्रेशन है एयर के अंदर, हर एक चीज को यहां पर प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटफ्लक्स इंडिया प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने उस पर्टिकुलर टाइम में लगाया था। जस्ट रिमेंबर, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, दिस इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के साथ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है, जस्ट रिमेंबर कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नहीं लगाया था। फाइनली वी हैव द कांसेप्ट ऑफ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक जैसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि एग्जैक्टली जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 को जो कार्बन है वो एज अ यू नो इनपुट की
तरह यूज करता है और इसको फिर बाद में एक एक टाइप के रेस्पिरेशन के थ्रू मतलब कार्बन को रिलीज भी करता है, ठीक है। लेकिन जो ये फोटोसिंथेसिस में यूज करता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, देखिए सीओ टू को अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है मतलब अपने अंदर लेता है तो क्या होगा, कार्बन सिंक की तरह काम करेगा। अगर वो सीओ टू को ज्यादा एमिट करता है तो वो कार्बन एमिटर की तरह काम करेगा, ठीक है। अभी देखिए जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो ज्यादातर कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके कारण हम हर एक जगह फॉरेस्ट को प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो फूड को प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे सीओ टू का जो जितना भी हमारा एटमॉस्फेरिक कार्बन है वो सबका सब यहाँ पर उस पर्टिकुलर जो ट्रीज है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये हमारा सारे के सारे टॉपिक्स है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। आज के कुछ क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 2021 से लेकर 2030 का जो डेकेड चल रहा है इट हैज बीन डेडिकेटेड एज द डेकेड फॉर व्हाट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच सोर्स इज यूज्ड इन ब्लेंडेड फाइनेंसिंग पब्लिक और प्राइवेट, मतलब कौन सा सोर्स यूज करते हैं एग्जैक्टली, आप पब्लिक का फाइनेंस यूज करते हो या फिर प्राइवेट का यूज करते हो, फिर एग्जैक्टली बेसिकली कौन सा करते हो। थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हिच मेथड इज यूज्ड टू फाइंड अदर हैबिटेबल प्लैनेट्स लाइक अर्थ, उस प्लैनेट उस पर्टिकुलर मेथड का नाम क्या है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड एन एनोमली एंड व्हाई, कौन से प्लैनेट को यहां पर एनोमली बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि फॉलोइंग नेशनल पार्क्स को आपको ईस्ट टू वेस्ट यहां पर अरेंज करना है। द फर्स्ट इज रायमोना नेशनल पार्क, सेकंड इज नामेरी, थर्ड इज ओरांग एंड फोर्थ इज काजीरंगा, ठीक है। आपको इन सबको ईस्ट टू वेस्ट यहां पर अरेंज करना है। अब जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या टूरिज्म इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द सेक्टर्स व्हिच वाज नॉट इंपैक्टेड बाय कोविड, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जो टूरिज्म इंडस्ट्री था दैट वाज वन ऑफ द ह्यूजली हिट, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स में से एक था। सेकंड इज व्हाट इज हीलियोस्फीयर, हीलियोस्फीयर देखिए सिंपल वर्ड्स में आपको याद होगा जहां पर सन है वो जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें यहां पर देखिए जितने प्लैनेट्स वगैरह वो यहां पर है तो इन सबसे यहां पर बचाने के लिए यहां पर एक टाइप का हीलियोस्फीयर यहां पर कॉज करता है जिसके जिसके कारण जितने भी एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होती है उन सबसे बचाता है, ठीक है। तो सन का एक टाइप का प्रोटेक्शन लेयर होता है। थर्ड इज कि कौन कौन से तीन पार्टीज है टू द मिन्स्क अग्रीमेंट, बेसिकली दे आर रशिया यूक्रेन और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप है ओएससी नाम की जो ग्रुप है वो भी इसका मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा कोआलास आर फाउंड इन विच ऑल कॉन्टिनेंट्स, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कहीं और पाया नहीं जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि ज्यादा प्रोटेक्शन किसमें मिलती है, वल्नरेबल में या फिर नियर थ्रेटन में, तो वल्नरेबल में ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू नियर थ्रेटन, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, ये थे हमारे सारे के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।